मंगलवार को बाजार में भारी मुनाफा वसूली का ट्रेंड देखने को मिला। भारी गिरावट के साथ दिन के निचले स्तरों के पास बाजार बंद हुए। सेंसेक्स करीब 740 अंक गिरकर 72,000 के पार बंद हुआ। निफ्टी 238 अंक टूटकर 21,820 के करीब बंद हुआ। बैंक निफ्टी 191 अंक गिरकर 46,385 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार में आज भारी गिरावट के बड़े कारण बता रही हैं हमारी सहयोगी नुपुर। हफ्ते के दूसरे दिन आज कमजोरी देखने को मिली मार्केट में, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या मिड एंड स्मॉल कैप की बात करें। हालांकि बैंक निफ्टी में थोड़ी आउट परफॉर्मेंस थी कंपेयर टू निफ्टी, लेकिन मिड एंड स्मॉल कैप में भी 1 से 1.5% तक का कट आज के दिन आते हुए नजर आया। लूजर्स में ओएमसीज पे आज कट देखने को मिला। बीपीसीएल निफ्टी का टॉप लूजर था। टीसीएस ब्लॉक डील के बाद यहाँ पर आज दबाव देखने को मिला। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सीएलएसई की रिपोर्ट के बाद यहाँ पर भी दबाव आते हुए नजर आया। और सिप्ला देखे तो 3.5% नीचे आज बंद होते हुए दिखा। गेनर्स में बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो, कोटक बैंक और हिंडाल्को की तरफ से थोड़ा सपोर्ट आज देखने को मिला। लेकिन खबरों के दम पर काफी सारे स्टॉक्स थे जो फोकस में आते हुए नजर आए, जैसे कि टोरेंट पावर, सफायर फूड्स, जेबीएम ऑटो, एक्साइड इंडस्ट्रीज। यहाँ पे रिपोर्ट्स और खबरों के चलते आज स्टॉक में मूवमेंट आते हुए दिखा। मिड एंड स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पर भी आज कमजोरी देखने को मिली। इंडेक्स लेवल पर 1 से 1.25% तक का कट देखने को मिला। तो लूजर्स के साथ शुरुआत करते हैं। एम्बर एंटरप्राइजेस, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, क्रिसल और एसजेवीएन में देखें तो 4 से 6% तक का कट आज आपको देखने को मिला स्क्रीन पर। और गेनर्स में दूसरी तरफ आईओएल केमिकल्स 12% ऊपर आपको नजर आएगा। त्रिवेणी टर्बाइन, रेनबो चिल्ड्रन और जुबिलेंट इंडस्ट्रीज देखें तो 5 से 12% तक का अपू यहाँ पर भी आते हुए नजर आया। तो कमजोरी के साथ आज बाजार बंद होते हुए दिखे। हफ्ते का दूसरे दिन था, कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और उसके बाद देखने को मिलेगी निफ्टी की एक्सपायरी। तो इंटरेस्टिंग हफ्ता रहने वाला है, हालांकि आज कमजोरी के साथ ही बाजार बंद हुआ है।